नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आईटेल A49 के अंदर में बैटरी का कुछ ऐसे ऐसे हिडन फीचर बताऊंगा फ्रेंड, जो कि अगर आप अपने फ़ोन में उस सेटिंग को कर लेते हैं फ्रेंड, तो आपको बहुत हद तक आपका बैटरी बैकअप है कि जो कि बढ़ जाएगा फिर। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक देखें फ्रेंड, जो कि आईटेल A49 के अंदर में ये सेटिंग में बताने बताऊँ बैटरी का ऑल सेटिंग फ्रेंड। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा बैटरी परसेंटेज है कि यहाँ पे नहीं कर रहा। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैटरी परसेंटेज है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इसको आप बैटरी परसेंटेज को किस तरह आप इनेबल कर सकते हैं ये जानकारी दूंगा, और बहुत सारे बैटरी से रिलेटिव मैं आपको इस फोन के सेटिंग में बताऊंगा फ्रेंड। तो चलिए मैं फ्रेंड्स फोन के सेटिंग में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फोन के सेटिंग में आ जाता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बैटरी वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। बैटरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है इसको पर मैं अगर क्लिक करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे इसको ऑन किया हूँ, यहाँ पे मेरा बैटरी परसेंटेज कोने में जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखें मेरा बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो बंद हो रहा है, और इसको अगर ऑन कर रहा हूँ तो मेरा बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे बैटरी सेवर है, सेवर सेंटर है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे जैसे बैटरी सेवर सेंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे फिर, तो यहाँ पे देखिए बैटरी सेवर है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे इसको ऑन करके रखना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको शेड्यूल करना चाहेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बैटरी सेवर है, इसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बैटरी सेवर पे ऑन किया हूँ तो मेरा फोन है जो कि डार्क मोड में चला गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेटिंग करके भी आप अपने फोन को बैटरी सेवर कर सकते हैं फ्रेंड, बैटरी सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, देखिए यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्लीप मोड, यहाँ पे अगर आप स्लीप मोड को यूज नहीं करते फिर, तो अगर आप सो रहे हैं फिर, तो इस सेटिंग को स्लीप मोड को ऑन कर ही सोए, ताकि आपका फोन है जो कि स्लीप मोड में बहुत ही ज्यादा आपका फोन को राहत मिलता है। अगर आपका फोन हैंग करा तो स्लीप मोड में कर आप रात को रात रखेंगे तो आपका फोन है जो कि बहुत हद तक के फास्ट काम करेगा फ्रेंड। तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ है पावर बूस्ट, तो इसको आप ऑन करें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें क्लोज है एनी वे, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरा ये बैटरी सेवर है जो कि सेंटर यहाँ पे गायब हो गया। यहाँ पे देखें इसको मैं ऑन ही करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा है जो कि अब यहाँ पे बूस्ट हो गया, बैटरी का मेरा बूस्टिंग कर दिया फ्रेंड। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से आप अपने बैटरी में ये सेटिंग को आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। आईटेल A49 के अंदर में ये सेटिंग बैटरी का आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, फैमिली के साथ भी शेयर करें, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो इस चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें दोस्तों। दोस्तों मैं इस चैनल पर एंड्रॉइड से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।